नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूँ राम मिश्रा, राम कुमार मिश्रा, स्वागत करता हूँ आप सभी का। कैसे हैं सब लोग, एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। आज आपको एक बहुत ही प्यारा सेशन कराऊंगा, बहुत ही अच्छी क्लास कराने वाला हूँ मैं। सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे? मैसेज करके बताइए अगर आपको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है तो। चलिए, आपको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना? चलो, रविंद्र आनंद नमस्ते भाई, और पूजा सिंह, ताइबा आलम गुड इवनिंग, रीना एकेडमी, उमेश्वरी सारथी, और पूजा सिंह, जगदीश धुल, और कौन है, रितु कटारिया, विहानिका सोनी, और आरती सिंह नमस्ते, खुश रहिए, रुखसाना प्रवीण गुड इवनिंग, और सोहा मरियम, ये हैं वो प्रवीण कैसे हैं आप, और दीपिका, आकांक्षा हिरवार, भाग्यपाल, जसवंत सिंह, जसवंत जी क्या हाल चाल है, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा आप कैसी हैं, सरिता बिस्कोई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खूब खुश रहो सरिता, तुम्हारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्या भेजोगे आप हमारे लिए अपने घर से, हैं कुछ बढ़िया बनवा के भेजना, तभी तो हमको लगेगा ना सरिता 92 का सिलेक्शन हो गया है। कैसे जश्न मनाएंगे भाई? रश्मि आर्या, तनु प्रिया, हाँ तनु बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, तनु बहुत अच्छी, बहुत मेहनती। शुभ संध्या वंदना चौधरी, उपासना त्यागी, हाँ टीचर जी हैं ये, टीचर जी नमस्ते, और वंदना चौधरी ठीक है, मृणाल कुमार, चलिए क्या हाल चाल है, प्रणाम नमस्कार राजू, डॉक्टर पंकज सिंह, लिंक तो गया ग्रुप में, लिंक तो गया है, अच्छा मुझे लगता वहाँ नहीं गया होगा, एक बार देख लेता हूँ, शायद मैंने वहाँ नहीं किया क्या, टेलीग्राम नहीं किया क्या, किया तो शायद किया हूँ ना, हाँ किया। चलिए तो आप लोग बताइए, आज एक बहुत ही प्यारा सेशन मैं आपके साथ कराने जा रहा हूँ, रुचि भी आ गई है, शालू गुप्ता, हाँ बिल्कुल शालू, शालू मेहनत करिए, बस 15-15 महीने की मेहनत है, 1.5 महीने के बाद आपको बहुत आराम मिल जाएगा, आप लोगों को सुकून मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1.5 महीने की बात है, इसके बाद आपको खुद रिलैक्स मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे देखेंगे, और अगर आप इस समय लापरवाही कर दिए तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी, प्लीज आप लोग लापरवाही मत करिए। रोहित नमस्कार भाई, किया तो हूँ, सुमन किया हूँ सब जगह किया हूँ, आंचल माहेश्वरी, शिल्पा रानी, रिया त्रिपाठी, विष्णु द्विवेदी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, मोहित कुमार क्या हाल चाल है, सूरज, रिया, सिंपी, और वो नहीं दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं वो ओम प्रकाश नहीं दिख रहे हैं, नितेश आप कैसे हैं, और मालती भी आ गई है, रोहित खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, दिव्या कोयरी, काव्या यानी कि सुप्रिया नमस्ते, और शिवलता नमस्कार, प्रतीक्षा ओझा, विष्णु द्विवेदी, अरे क्यों नहीं, आप लोग सिलेक्शन वाले में हैं, आप लोग सिलेक्शन वाली लिस्ट में हैं, नहीं चलिए शुरुआत किया जाए, फिर स्टार्ट करें अब, हाँ सुप्रिया ठीक है, स्टार्ट करें फिर वंदना, बिल्कुल मोहित कुमार पूछा तो तुमको, मोहित चलिए, प्रिया और कृष्णा नीतम, सुनीता ठीक है, स्टार्ट करें, रविंद्र आनंद, चलो शुरुआत करता हूँ अब, आरती सिंह भी आ गई हैं, हाँ चलो, तो भाई साहब आज हम लोग आप नाटक के बढ़िया प्रश्न करने वाले, 50 प्रश्न, कितने प्रश्न, 50 प्रश्न, कितने, 50, तो जो पहली बार आए हैं अकेडमी पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनको क्या करना है 5:30 बजे, कल आपकी 5:30 पे एक क्लास है, उसको मैं भेज देता हूँ अभी, एक बार आप अभी देख लीजिए उस क्लास को, है ना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कल होगी 5:30 बजे, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए उसे, उस क्लास को भी भेज देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार आप लोग उसे भी देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, एक बार आप जरूर उसे देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और बहुत ही शानदार क्लास है वो,
बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही उम्दा क्लास है, बहुत ही बढ़िया क्लास है। एक बार आप मुझे एक सेकंड नहीं, मात्र 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मात्र 30 सेकंड का आप टाइम दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया और मैं देख रहे हैं आप इस क्लास को, आप देख रहे हैं इसको, देख रहे हैं, इसका नाम है हिंदी की जेआरएफ हिंदी की शक्ति पूजा क्लास, गद्य साहित्य प्रैक्टिस सेट दो कहानी। तो कल 5:30 बजे एप्लीकेशन पे ये क्लास होगी। कहाँ पे होगी? एप्लीकेशन पे क्लास होगी, ठीक है, सबको विदित हो गया। कहाँ पे क्लास होगी? एप्लीकेशन पे क्लास होगी, ठीक है। सुन पा रहे हैं आप, जिस प्रकार राम ने शक्ति पूजा की थी अपनी विजय के लिए, उसी हिसाब से मैं अपने विद्यार्थियों के लिए जेआरएफ हिंदी की शक्ति पूजा क्लास कराऊंगा। इसमें हम पूरा तन मन लगा देंगे, पूरा जोश लगा देंगे, पूरा जुनून लगा देंगे, पूरी तन्मयता के साथ। और ये क्लास होगी कल, इसमें प्रैक्टिस सेट कहानी होगी। एक घंटे में हम 50 प्रश्न का टारगेट बनाएंगे और हम तेजी से अपनी तरफ बढ़ेंगे। तो कल यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, कल कहाँ होगी? एप्लीकेशन पे। तो सभी लोग 5:30 बजे टाइम देखिए, सभी लोग 5:30 बजे मुझे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो अभी आप अनकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी डाउनलोड करना है चूज, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मुझे फॉलो कर लेना। और क्लास डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, राही 92 कोड भी डालना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो दो बैच स्टार्ट हुआ है, एक 26 अगस्त से आ रहा है, वो एमसीक्यू कोर्स है। 26 अगस्त एमसीक्यू कोर्स है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। अगर आप एक ही महीने ज्वाइन करते हैं, सपोज दैट, है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप रेफरल कोड है, तो यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है राही 92। वो कौन सा है ये देखिए, यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा, फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो आप एक ही महीने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ और अपना एमसीक्यू कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 6 सितंबर से आपका एग्जाम होना है, 6 अक्टूबर से, उसी के लिए ये फोकस है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इतना काम आप कर लेना, अब मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, पहले क्रम वाले करेंगे, पहले साधारण। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रम वाले बाद में कराता हूँ, पहले साधारण प्रश्न करा देता हूँ। पहले मैं साधारण प्रश्न करा देता हूँ, एक बार फिर से देखिए। अगर आप पहली बार अनकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आप मेरी क्लास देखना चाहेंगे तो आपको एक बार रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी, बस एक ही बार पड़ेगी। वहाँ पे आपको राही 92 डालना है, जब वो लॉक होगा तो आपको राही 92 डाल के अनलॉक करना है और वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलेंगी। कल 5:30 बजे आप एप्लीकेशन पे मुझे मिलिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है और हम लोग 40 से 50 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। नहुष नाटक के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न आपके सामने है, नहुष नाटक के रचयिता। पहले बेसिक फिर कठिन, इसमें मैं आपको 25 प्रश्न बेसिक कराऊंगा, 25 प्रश्न कठिन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको डर ना लगे कि कहीं आपको लगे सारा गलत हो रहा है। गुड इवनिंग प्रिया शुक्ला, गुड इवनिंग विष्णु द्विवेदी ए। तो टाइम नहीं लगाएंगे, गोपाल चंद गिरधर दास की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी ये, है ना, एकदम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिससे एक बार मैं मोबाइल ऐसी जगह रखता हूँ। नहुष नाटक गोपाल चंद गिरधर दास की है। अगर मैं सेकंड नंबर की तरफ बढ़ूं, 2 नंबर, भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, इसको बताइए आप। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? पहले मैं सरल कराता हूँ, फिर बाद में कठिन कराता हूँ। प्रेमदास जी भी आ गए हैं और उषा का नाम बच गया, गब्बर बोध, है ना। ए पक्का, तनु ए हो जाएगा ना, किसी हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक, बड़ी समस्या आ गई है, ये तो बड़ी समस्या आ गई है। ए सी और डी तीनों आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। राष्ट्रभक्ति परक मोहित कुमार 2 का ए, रीना एकेडमी सी और जया शुक्ला सी,
और अंधेर नगरी, दो का सी, राष्ट्रभक्ति परक, राष्ट्रभक्ति परक, अंधेर नगरी। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने विषय पढ़ा होगा, क्या किसी ने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को देखा था नाटक में? मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो इसमें क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता भी हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूं, आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूं। इसमें अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विशेष विस्मोदम और विद्या सुंदर है। अब आप देखिए, विद्या सुंदर है ना, संस्कृत के चार कवि उनके ऊपर है। उसके बाद दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु क्या है, विलियम शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद है। इसके बाद आप देखेंगे अंधेर नगरी, अगर अंधेर नगरी पे आएंगे तो राजा की मूर्ता, अन्याय और अंधेर गर्दी है, और विशेष विस्मोदम, बड़ौदा के गायकवाद गद्दी। तो ये जो आएगा वो विशेष विस्मोदम आएगा, क्योंकि राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति परक है, कहते हैं न्यायार्थ हेतु अपने है ना, यही तो आएगा ना, आरती सिंह, यही विशेष विस्मोदम। भाई साहब आप देखिए यहाँ पे विशेष विस्मोदम लिखा हुआ है, पेज नंबर आप देखेंगे 240। तो यहाँ पे आप देखिए, बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारने तथा सयाजी राव को उनको स्थान पर बिठाए जाने का है, कहते हैं न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है ना, ठीक है पक्का। तो दो का सी आंसर सही हो गया। तीन नंबर पाइए आप, तीन नंबर, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक किसने कहा? थोड़ी स्पीड में करते हैं, ढंग से करते हैं, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक किसने कहा? हाँ बिल्कुल सी ही होगा, हाँ सी यहाँ लिखा हुआ है। ऐसी गलतियां इस समय ना करें और फैक्ट को एक बार फिर से रिवाइज करें, और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। तीन का डी, रामविलास शर्मा ने कहा, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अगर मैं चार नंबर पे आऊं, बेसिक से कठिन की तरफ चलेंगे, 25 के बाद आपको कठिन प्रश्न मिलेगा। चार नंबर, हनुमत नाटक के प्रणेता कौन है, भाषा हनुमत नाटक के प्रणेता कौन है? चार नंबर आप बताइए, भाषा हनुमत नाटक के प्रणेता कौन है? चार नंबर आप बताएंगे, हाँ चार नंबर आप बताएंगे, चार का आंसर अभी नहीं आ रहा है, चार का आंसर नहीं आ रहा है। हृदय राम, बिल्कुल हनुमान नाटक हृदय राम। प्राणचंद चौहान का क्या है, प्राणचंद चौहान का बता सकते हैं? हनुमान नाटक, जब कहते हैं हनुमान नाटक कर रहे हो आप, तो हृदय में राम को दिखा देते हैं। प्राणचंद चौहान क्या है, रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलिए और आगे बढ़ता हूँ, पांच नंबर पे, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया? नील देवी, सती प्रताप, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, बताइए। रामायण महानाटक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? वो है नील देवी, बहुत बढ़िया, नील देवी है। अगर छह नंबर की तरफ बढ़ू, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसका है? प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी, किसका है? फटाफट बताइए, लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को, अच्छा लगता है, क्लास को लाइक करते हैं आप तो अच्छा लगता है, बढ़िया मिलता है कि हाँ लाइक हुई क्लास। तो रणधीर प्रेम मोहिनी के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ये कौन सा नंबर था? ये पांच नंबर था। छह नंबर की तरफ बढ़ेंगे, छह नंबर, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन माना जाता है? पोल होता तो मजा आ जाता। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसको कहा जाता है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसको कहा जाता है? हैं? अरे रणधीर प्रेम मोहिनी, यही तो था, अभी मैंने आपको बता दिया था। अब हम सात नंबर की तरफ, प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? स्पीड में करेंगे, कठिन प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 25 प्रश्न सरल और 25 कठिन। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है। इसमें लक्ष्मण की भूमिका खुद ही निभाई थी उन्होंने, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, नहीं निभाई थी। आठ नंबर पर आप आइए, कभी भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कभी भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कभी भारतेंदु, चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग, हाँ कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। बताइए,
क्या हो जाएगा, आठ के भारतेंदु, कभी भारतेंदु नाटक किसका है, कभी भारतेंदु नाटक किसका, लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिस्र का, लक्ष्मी नारायण मिस्र का है, नहीं सी हो जाएगा, हाँ सुप्रिया सी हो जाएगा, रीना एकेडमी आपका सही है, कहानी नहीं लिखा इसमें ना, क्या लिखा था उसमें क्लास में, क्लास में क्या लिखा था आपके, नाटक लिखा था ना, कहानी कल होगी, कहानी कल होगी एप्लीकेशन पे, कहानी कल होगी एप्लीकेशन पे, उसके बाद आप नौ नंबर पे आइए गुड़सिंधु, उसके बाद नौ नंबर गुड़सिंधु भारतेंदु के किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, नौ नौ नंबर बताइए गुड़सिंधु, गुड़सिंधु किस नाटक के पात्र हैं, हाँ नाटक बोला था ना, गुड़सिंधु भारतेंदु के किस नाटक के पात्र हैं जरा बताइए, गुड़सिंधु भारतेंदु के किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, कहेंगे गुरु जी बी लगाए भारत दुर्दशा हो जाएगा, कहेंगे गुरु जी बी लगाए ना, यहाँ तो आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ तो आंसर दिया है बी वाला ना, हाँ चलो कम से कम बी वाला नहीं दे रहे हो, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर नाटक के पात्र हैं गुड़सिंधु, विद्या सुंदर नाटक के पात्र हैं गुड़सिंधु, हाँ पोल होता तो मजा आ जाता, पोल होता तो 40% विद्यार्थी यही ऑप्शन देते बी वाला, नौ नंबर के बाद आप दस नंबर पाइए, दस नंबर भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है, भारतेंदु के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है, भारतेंदु के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है, ठीक है भारतेंदु के किस नाटक में, बताओ तत्कालीन प्रेम जोगनी में, प्रेम जोगनी में है ना, प्रेम जोगनी में अभी टॉपिक आपने पढ़ा था, 11 नंबर बताइए, भारतेंदु का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, 11 नंबर भारतेंदु का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, जल्दी स्पीड के साथ भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, और एक बार फिर से बताता हूँ, कल कहानी कल होगी, ये हिंदी की राम शक्ति पूजा क्लास, जीआरएफ हिंदी की शक्ति पूजा क्लास, ये आपकी एग्जाम तक चलेगी, और इसमें हम लोग 1500 प्रश्न को करेंगे एग्जाम तक आपके, तो ये 5:30 बजे चलेगी, कल आपको 5:30 बजे में एप्लीकेशन पे मिलूंगा, जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है ऐप डाउनलोड करना है एकेडमी का, एनटीए कैटेगरी चूज करना उसमें, उसके बाद आप मुझे फॉलो करना और मेरा कोड आपको डालना है राही 92, फिर ये ओपन हो जाएगा ना, फिर ये आप राही 92 कोड डाल के ओपन कर लेना क्लास को, ठीक है राही 92 कोड डाल के आप क्लास को ओपन कर लेना, कैटेगरी आपको यही एनटीए चूज करनी है, एनटीए, चलो आगे बढ़िए 12 नंबर, ये नील देवी है ना, नील देवी 12 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, बूढ़े मुंह मुहासे, 12 नंबर प्रश्न आपका कहता है बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है, अभी ओपन कर दूंगा, भूल गया लॉक करके भूल गया हूंगा, बूढ़े मुंह मुहासे किसका है, बूढ़े मुंह मुहासे तनु का, ठीक है बिल्कुल, बूढ़े मुंह मुहासे कितना नंबर प्रश्न है, ये 12 नंबर है ना, राधा चरण गोस्वामी का, बूढ़े मुंह मुहासे किसका है, राधा चरण गोस्वामी का, 12 नंबर के बाद 13 रेल का विकट खेल किसका है, क्वेश्चन नंबर 13 रेल का विकट खेल किसका है, रेल का विकट खेल किसका है, 12 प्रताप नारायण मिश्र, बूढ़े मुंह मुहासे राधा चरण गोस्वामी के ना, तनु क्या बोल रहे हो आप, 13 नंबर बताइए, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल किसका है, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का, बिल्कुल ठीक, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है, 14 नंबर पे आइए आप, प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है बताइए, प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, राजश्री, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या है, वह है राजश्री, एप्लीकेशन पे डेली क्लास, एप्लीकेशन पे डेली क्लास एप्लीकेशन पे लेता हूँ, यूट्यूब की क्लास एक बार सुन लीजिए, आज आपकी 17 तारीख है, अब अगली क्लास होगी 19 तारीख को, अगली क्लास होगी आपकी 19 को 5:30 बजे यही है ना, 19 के बाद 22 तारीख होगी 5:30 बजे, इसके बाद आपकी 24 तारीख होगी 5:30 बजे, बस यूट्यूब पे मैं 5 क्लास लेता हूँ, एक क्लास हो गई कल, एक आज, 2-3 क्लास बची है, यूट्यूब पे मैं एक महीने में 5 क्लास लेता हूँ, बाकी मैं 25 क्लास लेता हूँ एप्लीकेशन पर, तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट पेपर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ आ जाइए।
श्याम कह रहे हैं मैं वो क्या बोलते हैं उसको OBS स्टूडियो यूज करता हूँ। तो प्रथम राजश्री आपका हो जाएगा, 14 के बाद 15 पाइए आप, 15 पाइए आप। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? 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 सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन। मैंने आपको बताया था 1910 में सज्जन लिखते हैं। सज्जन के बाद क्या होता है? कल्याणी से परिणय होता है, फिर प्रायश्चित करते हैं, है ना, फिर करुणालय, करुणालय के बाद फिर प्रायश्चित करते हैं ना, सज्जन, सज्जन के बाद करुणालय, फिर प्रायश्चित, उसके बाद इनको राज्य मिल जाता है। राज्य मिलने के बाद विशाख साग बढ़ती है, साग बढ़ने के बाद जन्मेजय इनका अजात शत्रु, जन्मेजय नाग्य के कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट चंद्रगुप्त, उसके बाद रूप स्वामी। तो यानी प्रथम आपका सज्जन हो जाएगा 15। अगर मैं 16 नंबर की बात करूं, अगर मैं बात करूं 16 नंबर की, है ना, अगर मैं बात करूं 16 नंबर की, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक का ये कौन सा नहीं है? करबला नहीं है, प्रेमचंद का है ना, प्रेमचंद का है ना, ये किसका है? प्रेमचंद का ना। अगर मैं 17 नंबर की तरफ बढ़ूं, अगर प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ूं, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्लण की राज तरंगिणी? एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को प्लीज, एक बार सभी माय डियर स्टूडेंट एक बार जरूर लाइक कर देंगे। क्लास अच्छी लगती है, जब क्लास में लाइक दिखता है तो अच्छा लगता है। तो बताइए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्लण की राज तरंगिणी है? ये भी तो आपने पढ़ा है ना, कल्हण कृत राज तरंगड़ी, राजश्री का, कामना का, कामना का, राजश्री का, यही तो लिखा है, अभी तो मेरे सामने यही है, बताइए। जयशंकर प्रसाद का आपने नहीं पढ़ा? सज्जन, राजश्री, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री, नहीं यही तो जाएगा ना, हाँ विशाख होगा पक्का, कल्लड़ की रात तरंगिणी, विशाख वाला, विशाख का कथानक कल्लड़ की रात तरंगिणी, और विशाख तो इसमें है ही नहीं, हाँ विशाख तो इसमें है ही नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का किस नाटक कल्लड़ की? तो ये विशाख है, ये क्या है? विशाख है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, है ना, बिल्कुल कल्लड़ की रात तरंगिणी 17। एक बार इसमें मामला और हुआ था, 18 नंबर पाइए आप, 18 नंबर पाइए, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी है? नहीं नहीं कल्लड़ की राजतरंगिणी है, जयशंकर की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में ही नहीं था, चलिए बताइए। लाइक कर देंगे एक बार सभी लोग, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो वो आपकी स्कंदगुप्त है, कौन सी है? 18 कटी, मीरा, ऋचा, संतोष, बताओ, रितु, शिखा, ध्रुव स्वामी, नहीं नहीं रविंद्र, जसवंत सी, नहीं भाई साहब स्कंदगुप्त है, सर्वाधिक प्रौढ़ स्कंदगुप्त है, सर्वाधिक प्रौढ़ स्कंदगुप्त है कल्लड़, ये सर्वाधिक प्रौढ़ जो है स्कंदगुप्त ही है, सर्वाधिक प्रौढ़ स्कंदगुप्त ही है, सर्वाधिक प्रौढ़ अष्टम गुप्त माना जाता है, माना जाता है कि नहीं माना जाता? पीजीटी का पेपर का सॉल्व कराएंगे, करा दूंगा, बहुत अच्छा पेपर था, सरल आया था पीजीटी का पेपर, पीजीटी का पेपर सरल आया था, है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूँ, सुन रहे मेरी बात? तो और आगे बढ़िए आप, 19 नंबर पे आइए, 19 नंबर प्रकाशन काल बताइए आप, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक, क्या होगा सही? ए हो जाएगा, पहले राज्य मिलता है 15 में, फिर राज्य मिलने के बाद 21 में साग बढ़ती है, स्कंदगुप्त 28 में है, चंद्रगुप्त 31 में है, यही है ना, यही ना भाई साहब, यानी कि ए वाला हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे आता हूं मैं, स्पीड मेंटेन रखना है आपको,
आपको स्पीड मेंटेन रखना है 20 तारीख। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? 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 दोबारा फिर आइए आप, अगला प्रश्न आगे का। बिल्कुल भी है, शत्रु बनते हैं, साख मिलती है 21 में, शत्रु 22 में, स्कंदगुप्त कब का है 28 में, चंद्रगुप्त 31 में, ध्रुव स्वामी 33 में, यानी कि बी ऑप्शन। हाँ या ना, बोलो हाँ सही। 21 नंबर पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या है फिर से एक बार बता देता हूँ, जो नए लोग आए हैं, मैं हूँ राम कुमार मिश्रा, अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ मैं, अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ऑलरेडी क्वालिफाइड जेआरएफ एंड नेट एग्जाम, और आपको 4 साल से पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता नहीं हूँ, सिलेक्शन दिलाता हूँ आपको 100%। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी क्लास को कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट हिंदी कराता हूँ। आप अगर ज्वाइन करना चाहें, अगर आप फ्री बैच ज्वाइन करना चाहें, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, लर्निंग ऐप, उसमें NTA नेट कैटेगरी, उसमें मुझे फॉलो करना। और अगर बैच ज्वाइन करना चाहें पैसे वाला कोर्स, तो 26 अगस्त से आ रहा है 7:30 बजे से 9 बजे तक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेफरल कोड यूज करना है RAHI92। क्या यूज करना है? RAHI92। चलिए, 3 राज परिवारों मगध, कोसल और कौशाम्बी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्तता को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है, बताइए। लिख भी रहे हो सुमन, इसका आप बताइए। 3 राजपूतों को यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप विषय नहीं पढ़े हैं तो गलत करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 247 सात नंबर, पेज नंबर 247 सात, अजात शत्रु, अजात शत्रु में लिखा हुआ है, इसमें मगध, कौशल और कौशाम्बी, मगध, कौशल और कौशाम्बी 3 राज्यों को, तो वो है अजात शत्रु। कब लिखा गया है? 1922 में लिखा गया है। लिखा गया, नहीं लिखा गया? 1922 में लिखा गया है, लिखा गया ना, अजात शत्रु। चलिए 22 नंबर पे पढ़ता हूँ, 22 नंबर प्रश्न आप बताइए। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बताइए आप। बाईस के ताईवालम, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल अजात शत्रु आंसर सही है। 23 नंबर आप बताइए, अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? अजात शत्रु नाटक है, अभी कठिन प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ, अजात शत्रु नाटक में नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? किसकी मम्मी रोकी? अजात शत्रु में, अजात शत्रु के नारी पात्रों में मल्लिका, मल्लिका है ना, जिनका बहुत उज्जवल है। चलिए, ये कितना नंबर प्रश्न था? 23 नंबर था ना, 23 था, कितना नंबर प्रश्न था ये? 23, 22 था, 23 था, 24 नंबर पाइए आप, 24 नंबर, 24 नंबर कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंक में है? स्कंदगुप्त नाटक की कथा कितने अंकों में? अभी कठिन प्रश्न की तरफ भी चल रहा हूँ, स्कंदगुप्त की कथा, स्कंदगुप्त नाटक की कथा, स्कंदगुप्त नाटक की कथा 5 अंकों में है, 5 अंकों में है ना, बिल्कुल। 24 के बाद आप 25 पे चलिए, प्रश्न संख्या 25 पे आइए आप। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? प्रणय भाव, अब कठिन प्रश्न की तरफ चल रहा हूं मैं, अब मैं कठिन प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, 30 के बाद में कठिन पे आ जाऊंगा। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है, वो कौन सी है? 25, वो है सुवासिनी, वो है सुवासिनी, राक्षस की प्रेमिका है ना। 25 के बाद आप 26 बताइए, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? 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 चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है?
कार्नेलिय ही तो हैं, इसी से तो शादी होती है चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की शादी इसी से तो होती है, कार्नेलिय भाई साहब, मालविका अलका कल्याणी नहीं बल्कि कार्नेलिय हैं, हैं कार्नेलिय हैं, कार्नेलिय माना जाएगा भाई। 26 के बाद 27 नंबर पाइए, 27 नंबर ये 27 नंबर, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूरे पंत है बढ़े चलो बढ़े चलो। उपर्युक्त गीत किस नाटक का है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मुझे बड़ा बड़ी प्रिय है पंक्तियां, ये पंक्तियां बड़ी प्रिय है मुझे। 27 का हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। चलिए तीन प्रश्न के बाद कठिन पे चलते हैं। 28 नंबर आइए, प्रसाद जी के किस नाटक रूप में आर्य और अनार्य, अनार्य मतलब सांप, के भेदभाव का चित्रण हुआ है, जरा बताइए प्रसाद जी के किस नाटक में, प्रसाद जी के किस नाटक में आर्य और अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है बताइए, लाइक ठोक दीजिए एक बार। रफ्तार आप बढ़ाओ, अपनी स्पीड आप बढ़ाओ, पढ़ने की गति को बढ़ाओ। प्रसाद जी के किस नाटक में आर्य अनार्य का भेद है? तो जन्मेजय का नाम यज्ञ है। 28 के बाद 29 पाइए आप, 29 आइए, 29 प्रश्न आपसे कहते हैं, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो बौद्धों के पतन काल का है बताइए, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? आते लाइक कर दिया था, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, बौद्धों के पतन काल विशाख, विशाख क्या है? बौद्धों के पतन काल का है, विशाख ही तो है बौद्धों के पतन काल का। और आइए 30 नंबर पे, 30 नंबर आप आइए, प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? किसका? जयचंद काल का चित्रण हुआ है। प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? बताइए नितेश कुशवाहा, ओम प्रकाश नहीं दिख रहे मोहित, ओम प्रकाश नहीं दिख रहे। ये लास्ट प्रश्न कठिन, सरल है, अब कठिन की तरफ चलता हूँ। किस नाटक में प्रायश्चित, अरे भाई धोखा देने के बाद प्रायश्चित तो करेगा। अब आइए कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ, अब कहाँ बढ़ता हूँ, एक बार आप लोग अपना सरोर हिला लो, चैतन्य कर लो, और मैं भी पानी पी लेता हूँ। अब ले चलता हूँ आपको कठिन प्रश्नों की तरफ, कहाँ ले चलता हूँ, कठिन प्रश्नों की तरफ। लिखना थोड़ी है नितेश, क्यों लिखना है भाई, इसमें क्यों लिखना है, इसमें क्यों, इसमें क्यों लिखना है, क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप? चलें हिला लीजिए सर और अपना, इसको सही कर लो, थोड़ा सा ठीक कर लो एकदम, हाँ ठोक लो, जैसे नेटवर्क नहीं आता मोबाइल में, आप लोग इधर उधर करते हो ना, ऐसे करते हो ना मोबाइल, ऐसे करते हो इधर को पकड़ ले, हाँ हेलो नहीं आ रही आवाज, हाँ, या किसी का मैसेज नहीं जाता तो आप ऐसे ऐसे हिलाते हो मोबाइल को, उसी प्रकार अपनी खोपड़ी को हिलाइए और आगे बढ़िए, हिला लिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेके चलता हूँ आपको और अच्छे प्रश्नों की तरफ, और बढ़िया प्रश्नों की तरफ, ठीक है भाई साहब। चलो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, और एकदम बढ़िया धुआंधार प्रश्न, देखते ही आप मुरझा गए, ये क्या आ गया प्रश्न। पहला प्रश्न, अंधायुग नाटक के अंक शीर्षक का सही क्रम बताइए गुरु। 2018 में आया था ये प्रश्न, 2018 में आया था ये प्रश्न, 2018 में आया था, लगाओ गुरु इसमें, अंधायुग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम क्या होता है? एक का डी, एक का ए, पहले कौरव नगरी है, कौरव नगरी यहां भी है, यहां भी है, यहां कट गया ये, पशुको उदय यहां भी है, पशुको उदय यहां भी कट गया ये, अश्वस्थामक अर्ध सत्य यहां भी है, अश्वस्थामक ये, अब आप देखोगे पशुको उदय और पशुको उदय के बाद ये कट गया ना, अब देखो बचा क्या, कौरव नगरी, तो पशुको उदय ये तो कट गया था, देखो कटता कैसे, कौरव नगरी यहां भी है, यहां भी, यहां भी, ये कट गया, पशुको उदय अश्वस्थामक कट गया, ये बचा दो ना, अब यहां पे आप देखोगे बचा क्या, पशुको उदय, पशुको उदय, अश्वस्थामक अर्ध सत्य, अश्वस्थामक अर्ध सत्य, और गांधारी का शाप, गांधारी का शाप, ये कैसे एक हो गया, प्रभु को उदय, प्रभु को उदय, अश्वस्थामक अर्ध सत्य, ये तो एक ही है, ये तो ए और सी सेम ही है,
ये तो ए और सी सेम ही है, चलो ए भी होगा सी भी होगा, ऐसे ही आपको काटना सीखना चाहिए तब आप सत्य तक पहुंचेंगे, है ना। ए और सी दोनों मान लो, फिर क्या करोगे आप? दो नंबर पाप आइए, कहाँ आएंगे आप? अरे भैया 31 नंबर था ये 31 नंबर था, 32 नंबर पे आइए आप, 31 नंबर था ये 32 नंबर पे आइए, प्रश्न संख्या 32 पे आइए आप, 32। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटक, सुरेंद्र वर्मा के, राजेश कुमार चौधरी कह रहे हैं प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, राजेश आप क्या पूछ रहे हो? श्याम मैं दिल्ली से लाइव हूँ, दिल्ली से लाइव हूँ, मैं दिल्ली से लाइव हूँ, मान लिए दोनों। चलिए सुरेंद्र वर्मा के नाटक, अगर आपको याद होगा तो ये आपका सी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको याद है द्रौपदी, द्रौपदी सेतु बंधु थी, हैं द्रौपदी सेतु बंधु थी, ठीक नहीं, द्रौपदी सेतु बंधु थी, फिर नायक खलनायक विदूषक बन जाती हैं, कहती सूर्य की अंतिम किरण से पहले किरण तक दिखा दूंगी, है ना, यानी सेतु बंधु, फिर आठवां सर्ग, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसके बाद आठवां सर्ग आया था, यानी अगर देखोगे 1972 का सेतु बंधु है, 1976 का आठवां सर्ग है, और एक दुनी एक 1987 के है, और रति का कंगन 2010 का है, यानी कि सी वाला हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, पक्का? ठीक है, अब 32 के बाद 33 नंबर पाइए आप, अब प्रश्न संख्या 33 पाइए आप, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए, अब आ गए ना, हाँ ठीक है, बताओ जया, सीमा बताओ, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आप बताइए, बहुत बढ़िया, डी मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण का है ना, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, सिंहासन खाली है सुशील कुमार का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया, 33 का बी नहीं 33 का डी हो जाएगा, द्रौपदी से पहले मादा कैक्टस है, द्रौपदी से पहले मादा कैक्टस है, ना 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 ना, ना। द्रौपदी 1972 का उनका है ना, उस समय द्रौपदी से पहले आपका मादा कैक्टस है, बिल्कुल राइट आंसर डी, पोल होता तो मजा आ जाता, 33 नंबर की तरफ बढ़िए आप, प्रश्न संख्या 33 की तरफ आप बढ़िए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही, अभी आया था ना, अभी आया था, थोड़ा सा और घुमा के आ गया, अभी ये प्रश्न आया था, थोड़ा सा और घुमा के आ गया, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए, तो कल आप अप्लीकेशन पे मिलेंगे 5:30 बजे, तो जो नए विद्यार्थी कैसे जुड़ेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें इंटीग्रेटेड कैटेगरी डालनी है, राम कुमार मिश्रा प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है, फिर क्लास देखने के लिए राही 92 कोड डालना, अनलॉक हो जाएगी क्लास, कौन सा कोड? राही 92, कौन सा कोड भाई साहब? राही 92, है ना, राही 92। चलिए 33 नंबर बताइए आप, 33 नंबर, 33 के पहले यहाँ पे देखो सज्जन थे, फिर विशाख, विशाख बढ़ती ना 21 में, सज्जन कब थे? 18 में सज्जन थे ना, जनमेजय नागयज्ञ, विशाख 22 में, अजातशत्रु 27 में कामना होती ना, जनमेजय नागयज्ञ 26 का है ना, उसके बाद फिर आप देखोगे ध्रुव स्वामी 1933 का, यानी कि आपका ए वाला हो जाएगा, 33 के बाद आप 34 पाइए, 34 नंबर आपको मिलान करना है, 34 नंबर आपको मिलान करना है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता जिसको आभास मात्र हो जाए उसको ये नस्वर शरीर चमकीले अभिभूत, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है, बताइए पीजीटी के बारे में बात कीजिए, शुभ्रा दुबे सौरभ दुबे कह रहे सर पीजीटी के बारे में, पीजीटी का पेपर हो गया, मेरे स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है, पेपर मैं देखा नहीं हूँ अभी, मेरी क्लास चल रही थी, पेपर देखूंगा, कल बात करता हूँ पीजीटी के बारे में, अबाउट पीजीटी है ना, कल बात करता हूँ पीजीटी के बारे में, 35 का बी, 35 का ए, 35 का बी ठीक है, देखो चंद्रगुप्त ने कहा था
संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा आत्मसम्मान के लिए, तभी तो कहता है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं आदमी को ठीक करना चाहता हूँ। दांड्यायन क्या कहते हैं, भूमा का सुख और उसकी महत्ता जिसको आभास मात्र हो उसको ये संसार नश्वर लगता है। कार्नेलिया कहती है, क्या मुझे इस देश में जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, मैंने ब्रह्मोसिंचित। चाणक्य क्या कहते हैं, चाणक्य साहब कहते हैं कि भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। कहते नहीं कहते, बहुत बढ़िया। अंकित क्या हाल है भाई, कितना नंबर था ये, 33 ना, 34 नंबर पापा ये, प्रश्न संख्या 34 पापा ये। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। 34 नंबर बताइए। भावना बताओ, रितु कटारिया 35 नंबर आप बताइए। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा डी, अंधा कुआं 1955 का है लक्ष्मी नारायण लाल का, बकरी सरोसा दयाल सक्सेना का 1974 का है, इकतारे की आंख है मणि मधुकर का 1980 का है, और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991-92 कब का है, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा ना, कोर्ट मार्शल कब का 1991 का है ना सर, बार बार नंबरिंग गलत भूल रहे हैं, 35 फिर अगला 33, अब मैं भूल जाता हूँ यार, पता नहीं कितना हुआ है ना, 91 है ना, नाम नहीं ले रहा था तभी शांत थे। चलो तो ये आपका डी वाला हो जाएगा ना। चलिए और आगे बढ़ता हूँ, 35 नंबर कहते हैं चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक, हाँ ठीक नहीं यार, चौपट चपेट और मयंक मंजरी, चौपट चपेट और मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी के हैं, मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। 35 के बाद आप 36 पाइए। ये प्रश्न 2017 में आया था, ये प्रश्न 2017 में आया था। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम बताइए। आया था ना, चलिए, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम बताना है। हाँ, विष्कंभक है, प्रवेशक है, चूलिका है, अंका से अंका अवतार, इसका अर्थ मैं आपको बताया हूँ जब मैं नाटक की पहली क्लास लेता हूँ तो बताया था, अभी फिर बताऊंगा जब नाटक की पहली क्लास लूंगा तब, है ना। हाँ, तो ये विष्कंभक है, अंका अवतार बाद में है, प्रवेशक चूलिका अंका से अंका अवतार, ठीक है। चलो इसकी चर्चा नाटक वाली क्लास में करूंगा। 37 नंबर पापा ये फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसमें, 37 नंबर, निम्नलिखित में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक रक्षाबंधन है, किसका ये, हरकृष्ण प्रेमी का, किसका है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन किसका है, रक्षाबंधन है किसका, मैं ये पूछ रहा हूं। जूली कुलकर्णी बी, रक्षाबंधन है किसका, हरिकृष्ण प्रेमी का ना, 1934 आरती पाल, बहुत बढ़िया। 37 के बाद आप 38 नंबर पाइए। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छीमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर है, बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो छीमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छीमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। वो सत्य हरिश्चंद्र ही है,
39 पाइए आप 39 पे, 39 का भी क्रम आपको बताना है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक, अगर आपको याद होगा ये क्रम मैं आपको बताया हूँ, 2017 में प्रश्न आया है, मैं ये आपको ट्रिक से याद कराया हूँ। क्या किसी को याद है? मैं आपको ट्रिक से याद कराया हूँ, नहीं कराया हूँ? मैं आपको ट्रिक से याद कराया हूँ ना, फिर से एक बार सुन लो मेरे विद्यार्थियों भाई। कल आपकी क्लास अप्लीकेशन पे फ्री वाली, 5:30 बजे मैं फ्री क्लास लेता हूँ, 5 क्लास यूट्यूब पे, बाकी क्लास अप्लीकेशन पे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके राही 92 से कोड अनलॉक करके आप मेरी क्लास देख सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो आप राही 92 कोड अनलॉक कर देना, है ना। फ्री क्लास देखने के लिए राही 92, पहली बार देखेंगे एक ही बार लगेगा बस, राही 92 एक ही बार कोड लगेगा बस, दोबारा नहीं लगेगा। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम, तो सी हो जाएगा। द्रौपदी कब कहे? 1972 कहे। आठवां सर कब कहे? 1976 कहे ना, क्या लिख रहे हो आप लोग? और एक दूनी एक 1987 के है, और रति का कंगन कब का है? 2010 का, अभी आया था ये क्लास एंड नहीं। जैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता हूँ आपको लगता है क्लास ही बंद हो गई। अरे भाई साहब, बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। रिपीट हो गया ना ये, 39 के बाद आप 40 नंबर पाइए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटक का बताइए आप, 40 नंबर आइए आप, 72, 76, 87 बिल्कुल प्रतीक्षा, 40 नंबर आप बताइए, हाँ 40 नंबर आप बताइए। जैसे ही मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वैसे लगता है छुट्टी, वैसे लगता है छुट्टी, बताइए भाई। डी वाला, हरिकृष्ण प्रेमी पहले हैं, कब हैं? 1907 के। इसके बाद भीष्म सानी कब हैं? 1915 के हैं। मोहन राकेश 1923 के हैं, और शंकर शेष कब के हैं? ये तो पहले के हैं ना, सबसे पहले के हैं ना, इनका टाइम देख के बताना, मुझे याद नहीं है। 40 का डी। आइए 41 नंबर पे पढ़ता हूँ, 41 नंबर की तरफ पढ़ता हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम, मैंने बताया था ना कठिन प्रश्न। रिया शुक्ला कह रही हमसे तो एक बार भी नहीं मांगा, नहीं प्लस वालों से नहीं, जो नए विद्यार्थी स्पेशल वाले, जो नए विद्यार्थी पहली बार अनअकैडमी पाएंगे स्पेशल क्लास देखने, उनको कोड मांगेगा अनलॉक के लिए बस। जो प्लस ले लिए उनसे नहीं मांगेगा, जो प्लस वाले हैं उनसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं उनको। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। बीबी एक ही बार भी लिखना, अगर हिंदी में लिखना एक बार भी लिखना, अगर इंग्लिश में लिखते हो तो लिख सकते हो, हिंदी में दो बार लिखोगे बीबी हो जाएगा। बीबी मतलब कौन है? पति के क्या, पति की खोपड़ी के बाल को क्या करने वाली, खत्म करने वाली? अरे नहीं, बीबी बड़ी प्यारी होती है, बीबी शब्द बहुत प्यारा है, बीबी तुम्हारा केयर करती हैं, बीबी घर की लक्ष्मी होती हैं, बीबी तुम्हारे बच्चे की परवरिश करती हैं, बीबी तुम्हारे बच्चे को जन्म देती हैं, हैं? बीबी भले तुमको चार बात बोले लेकिन बीबी बिना घर सुना होता है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, सुनाया हूँ आपको, तो आप इसको बताइए, बिन घरनी घर भूत का डेरा, इसको आप बताइए क्या होगा इसमें? इसमें बी वाला ना। अरे नहीं यार, कौन सा बाल नोच लिया, बाल पहले झड़ जाते हैं, बीबी बाल नहीं नोचती, तैयारी करते करते बाल अपने आप ही झड़ जाते हैं। बीबी आती है तो बिना बात बदनाम हो जाती है। जैसे किसी कवि ने एक शेर कहा है कि इश्क का जौके नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौके नजारा मुफ्त में बदनाम है, यानी इश्क करके लोग बदनाम है बिना बात, जबकि कहते इश्क का जौके नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए, हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए। वैसे ही बीबी बेचारी बदनाम है, बालक की खोपड़ी के बाल नौकरी लगते ही झड़ जाते, नौकरी लगती नहीं, पढ़ते पढ़ते 35 साल में ये सब खोपड़ी खाली हो जाती, पीछे को बाल बचते हैं, आगे पूरा सपाट हो जाता है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, आपका बीबी वाला ना। और आगे आप बढ़िए, ये कौन सा नंबर था, 41, 42 जो भी था, 42 का प्रश्न आप देखिए, 42 आप देखिए। आह वेदना मिली विदाई, कहते आह वेदना मिली विदाई,
आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घुट भर पी लूं जो रस तू है लाया, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है तपंग सा इसमें मन होकर मतवाला, स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही है। हाँ स्टेटमेंट बदल रहा हूँ, प्रीति प्रधान मैं बदल रहा हूँ, पत्नी मतलब घर की लक्ष्मी, पत्नी मतलब पति के जिंदगी को संवारने वाली, पत्नी मतलब आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करने वाली, पत्नी मतलब सुलक्षणी, पत्नी मतलब देवी, पत्नी मतलब सब कुछ, यत्र पूजंत नारियंते रमंते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां क्या देवता वास करते हैं। सभी जितने भारत की समस्त पत्नियां हैं सभी पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी पत्नियां सुशिक्षित होकर अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने घर को बहुत अच्छे से चलाएं, अपनी पतियों की देखभाल करें और घर की लक्ष्मी बनकर रहें। सभी पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं, पूर्व के दिए गए वक्तव्य को मैं वापस लेता हूँ, बाल लोचने वाली बात मुँह से निकल गई, गलती से मुँह से निकल गई, उस वक्तव्य को मैं वापस लेता हूँ। पत्नियाँ पूजनीय हैं, पत्नियां आदरणीय हैं। अब ठीक है ना, अब ठीक है भाई साहब। चलिए इसको बताइए प्रीति प्रधान, अब ठीक है, कहाँ पहुंचा तो मैं तो भूल गया। आ वेदना मिली विदाई, हाँ सी वाला, अब ठीक है ना, हाँ ये आपका हो जाएगा सी, कहाँ गया, पिन भी नहीं मिल रहा है, सी वाला। आ वेदना मिली विदाई स्कंद गुप्त कहे, यौवन तेरी चंचल छाया ध्रुव स्वामी कहे, ध्रुव स्वामी यौवन तेरी चंचल छाया बी का, उसके बाद कैसी कड़ी रूप ये आपका चंद्रगुप्त का है, और उसके बाद स्वर्ग नहीं है ये आपका कहाँ के अजात शत्रु के, कामना के इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कामना का कुछ नहीं है, इसमें कामना का कुछ भी नहीं है, इसमें कामना का कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़िए, आप लास्ट प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम, ये भी बताया हुआ आपको, ये भी क्रम, प्रतीक्षा करें ये ज्यादा ही हो गया है, प्रतीक्षा एकदम मक्खन ज्यादा हो गया, अतिशयोक्त कर दी। चलिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार, अरे दो पंक्तियां सुना देता हूं, नारी तुम श्रद्धा हो पीयूष रजत नग पग तल में, नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। हाँ बस ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम आप बताइए, तो अगर आपको पता होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी, पहले हानूस, हानूस घटना घटती है, कबीरा खड़ा बाजार में कहता है माधवी को क्या दो, मुआवजा दो, नहीं तो आलमगीर कर देंगे, आलमगीर से पहले क्या जलिया वाला बाग, यानी रंग दे बसंती चोला फिर आलमगीर। हानूस कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी मुआवजा, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, यही तो होगा ना, 50 का पी वाला, करेक्ट, पक्का, एकदम बढ़िया। और एक प्रश्न और कर लेता हूं, ये लास्ट है, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म सानी के नाटक, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें अलग आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा के आ गया, ये बता दो लास्ट है। उन्नीस सौ 1977 का क्या है, हानूस है, 85 का क्या है, माधवी है, मुआवजे क्या है, 93 का, आलमगीर कब का है, 99 का, यही तो है ना, डेट यार धीरे धीरे होगा, यानी कि ए वाला हो जाएगा, हानूस 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999, ठीक है। चलिए एक बार फिर से, जो पहली बार आए सभी लोग एक बार तो क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज, जो पहली बार आए हैं, कल मेरी क्लास होगी देख लो, कल यूट्यूब पे नहीं होगी, कल होगी मेरी क्लास यहाँ पे, आप देख रहे हैं कहाँ पे होगी, एप्लीकेशन पे फ्री है ये, जेआरएफ हिंदी की शक्ति पूजा क्लास में स्टार्ट किया हूँ, कल दूसरी क्लास है, कहानी होगा इसमें, क्या होगी, कहानी, कहानी आप पढ़ के आएंगे 5:30 से 6:30 18 अगस्त, इसमें कैसे पहुँचेंगे इस क्लास तक उसको देखिए, इस क्लास में पहुँचने के लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप अभी डाउनलोड करिए, अनअकैडमी डाउनलोड करके उसमें आपको कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी आपको क्या डालना है, NTA UGC नेट, उसके बाद आपको मुझे फॉलो करना है, फिर फॉलो करने के बाद आपको मेरी क्लास दिख जाएगी, स्पेशल क्लास में जाएंगे वहाँ पे दिख जाएगी, फिर आप कल वहाँ मेरी क्लास कर सकते हैं इनरोल करके, ठीक है।
चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। क्लास अच्छी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग थैंक यू मैसेज कर देना, और अब मिलता हूँ आपसे कल 5:30 बजे एप्लीकेशन पे, ऐप पर। और अगर आपको क्लास लेनी है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसे आप उस पर जाएंगे पेमेंट पे, सब्सक्रिप्शन पे, तो जैसे आप 3 महीने 6 महीने जितना लेना चाहेंगे, हैव यू एनी रेफरल कोड, तो यहाँ पे आपको Rahi92 डालना है बिना किसी स्पेस के, देखो नीचे पड़ा है। फिर आप पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे, ये देखो, फिर आप एडमिशन ले लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय।